हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी मैं पोछा ही लगाने जा रही थी। तो देखिए, इसने ही मेरे हाथ से पोछा ले लिया है। तो इसे बड़ा शौक आता है काम करने का। ये डंडा तो इतना हेवी है, किसे संभल बच्चे से संभलेगा नहीं, पर इससे ईजिली संभल जाता है। तो अभी ये लगा रहा है पूरे घर को पोछा, और जनाब नहा धो के बिल्कुल रेडी है, फिर भी नहीं मान रहा। उसे तो पूरे घर को पोछा लगाना है। और एक बात आपने नोटिस की, इसने बहुत अच्छे से पोछा लगाया है। मीन्स पूरे हॉल को इसने पोछा लगाया है। जहाँ जहाँ उसे सूखा लग रहा है, वहाँ वहाँ उसने पोछा लगाया है। और ये देखिए, उसकी गाड़ी खड़ी है तो उसके नीचे भी यह पोछा लगाने जा रहा है। तो ये बात तो समझ में आती है कि जब मैं पोछा लगाती हूँ तो ये नोटिस करता होगा कि मम्मा कहाँ लगा रही है पोछा, कहाँ नहीं। तो इस तरह से इसने हर जगह पे पोछा लगाया है। और बाल्टी तो मैंने पहले ही छुपा के रख दी थी कि ये पानी पानी ना कर दे पूरे घर पे, इसीलिए। तो अब ये देखिए, यहाँ भी ये पोछा लगाने जा रहा है तो दरवाजे के पास। तो हर जगह पर इसने पोछा लगाया है। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे महीने का राशन ख़त्म हो गया था तो मैंने मंगा लिया है। और ये है मेरे महीने भर का राशन। इसे मैंने कल ही सैनिटाइज करके रख दिया था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि महीने भर में मुझे क्या क्या सामान लगता है। और ये क्या खिल रहा है, दिखा किट्टू। ये मेरे नेकलेस है, इसका आज कुछ ना कुछ ज़रूर बनने वाला है, देखिए। चलिए आप बैठिए अभी। तो हमने क्या क्या लाया किट्टू, आप दिखाओ। ये है एवरेस्ट के चिकन मसाले। ये महीने भर में मुझे 5 लगते हैं, तो ये एक है। ये है एक किलो का सर्फ एक्सल। ये रिन आला लिक्विड। डव यह है सोया सॉस। यह है शक्कर जो मैंने 5 किलो मंगाई थी और आधी मैंने कंटेनर में भर के रख दी है, क्योंकि ये शक्कर मैंने भरी चलती है और ये ख़त्म हो चुकी थी, तो इमरजेंसी में मैंने इसको भर कर रख दिया है। तो ये बची है तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है शक्कर। ये मैगी मैंने 10 मंगाई है। तो कभी कभी छोटी सी भूख मिटाने के लिए काम आती है। और ये है पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला हमें बहुत पसंद है, तो ये मसाला भी हमेशा मैं घर पर रखती हूँ अवेलेबल। ये है पियर्स साबुन। क्या क्या है? ये है मोठ 1 पाव। ये है चाय पत्ती 1 पाव, सादी है। ये है एक्सपर्ट साबुन। और क्या है किट्टू? ये मटन मसाला है, बोलो। ये है मटन मसाला। ये है ना, ये साबुन का। ये क्या है? ये है सर्फ एक्सल साबुन। ये भी मैंने 6 मंगाई है। ये कपड़े कपड़े साफ करना है। देखिए, ये है टाटा नमक। ये है लक्स साबुन। और ये है सांबर मसाला जो मैं 2 मंगाए हैं। ये है 2 किलो बिरयानी चावल। ये पैराशूट ऑयल। ये है दाना।
क्या है? ये खाने खाए और ये है पीताम्बरी, सरसों का तेल, क्योंकि तो सर्दी होती है तो यही चीज मुझे हमेशा याद आती है, तो इसे मैं हमेशा घर पर अवेलेबल रखती हूँ। ये है क्लोजअप, ये है लाल मिर्च पाउडर आधा किलो, ये है गरम मसाला पाउडर जो मैंने 200 ग्राम मंगाए हैं, धनिया पाउडर 200 ग्राम, ये है बिरयानी मसाला पाउडर, ये है आधा किलो मैदा। मम्मी मैं पकाऊंगा ना। इसमें है आधा किलो पोहा। क्या है बेटा? आपको पोहा। 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 और इसमें है काजू, ये काफी, इसमें है बादाम, ये खाओ, इसमें है जीरा, ये लिया है, इसमें है फ्राई, इसमें है छोटी इलायची। तो इस तरह का ये सामान है और मैंने तुअर दाल भी मंगाई है पर उसे भी मैंने कंटेनर में डाल के रख दिया है। तो ये मसाले का डिब्बा भी ख़राब हो गया था और इसमें बहुत कम मसाले बचे थे, तो मैंने सोचा इसे आज वॉश ही कर लिया जाए, और जो जो मसाले ये डिब्बे में बचे थे तो उसे मैंने पेपर में ऐड करके रख दिए थे ऐसे, तो अभी मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। तो लाल मिर्च और हल्दी को मैंने पेपर में ही रख दिया था, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और सुबह, और इसको मैंने धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया था। अब जब सूख चुकी है तो मैं अभी इसमें मसाले को रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यही तक था मेरा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय बाय।